without subscribing to a particular ideal body type. You know, I should respect my body and I should know what works for me. You know, I can't possibly look like another person. यहाँ पे इतनी सारी खूबसूरत ladies बैठे हुए हैं, कोई किसी को दिखते नहीं है, but इसका मतलब ये नहीं है कि एक ज़्यादा सुंदर है, एक कम सुंदर है. I think as long as that is important, and I think as an actor, I travel so much, I work so much, I'm also doing a new film, there are lots of things, so I think it's very important for me to take care of my health. So if I'm approaching fitness, I'm approaching with that point of view, not being apologetic about how I look. जैसे आपने फिल्म की बात की तो व्हाट माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आई डोंट मीन इट्स वेरी इट्स डिसरेस्पेक्टफुल टू ऑल द पीपल ओवर हियर वी टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स स्टिक टू दैट या मेनस्ट्रीम करियर लाइक दिस बिकॉज़ एज़ फार एज़ आई नो यू जस्ट नीड टू कम हियर एंड आस्क योर क्वेश्चन सो यू शुड सी योर लिप्स टू अंडरस्टैंड एंड आंसर थैंक्स सो मच एंड आई होप यू टॉक अबाउट द कॉज मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज दीस अनस्टॉपेबल लेडीज हु शुड मेक headlines thank you can you proceed for Heidi सारी कहानियाँ इंस्पायर करती हैं आई थिंक फेमिना का बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है और आई एम वेरी प्राउड कि मैं उनके कवर पे हूँ और एक तरीके से उस इनिशिएटिव को आगे ले जा रही हूँ बीइंग अनस्टॉपेबल आई थिंक आइडिया ये है कि चाहे आप कहीं से भी आए हो कोई भी आपका बैकग्राउंड हो किसी भी धर्म के आप हो कोई डिसेबिलिटी हो ना हो मतलब जो भी आई थिंक एक लड़की कि जो भी सपने होते हैं जो भी आई थिंक वो करना चाहती है आई थिंक एज अ सोसाइटी हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके सपोर्ट करें और वो भी एज अ गर्ल ऑल्सो आप भी अपने अंदर झांक के देखिए कि आप में कितनी क्षमता है कि आप कितना आगे जा सकती हैं एंड आई थिंक आई सल्यूट ऑल द वुमन जो आज यहाँ पे थी बिकॉज ये हमने सिर्फ चार पाँच औरतों को चुना बट आई थिंक कितनी सारी और हैं हिंदुस्तान में जो आई थिंक कितना अमेजिंग अमेजिंग काम कर रही हैं अपने क्षेत्र को अपने जहाँ वो रहती हैं अपनी फैमिली को आगे ले जा रही है खुद को आगे ले जा रही है आई थिंक दिस इनिशिएटिव इज अ सल्यूट टू ऑल दोज वुमन जी अभी भी स्ट्रिक्ट है मैं अभी भी लेट आती हूँ घर पे तो डांट पड़ती है एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट माय पेरेंट्स बट आई थिंक आई वुड हैव टू से माय फैमिली क्योंकि जो आपकी कहते हैं नींव जो होती है जो आपकी बुनियाद होती है अगर वो स्ट्रांग ना हो तो और कुछ नहीं होता तो आई थिंक माय फैमिली इज माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम एंड आई थिंक आई वट एवर आई एम टूडे मैं जो भी अचीव किया इट्स बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट एंड देयर लव ऑफकोर्स ऐसे जैसे आप मतलब काम करते रहते हैं तो लोग जुड़ते रहते हैं आपके साथ बट आई वुड हैव टू से और कई बार मीडिया इंटरेक्शन के दौरान भी बड़े अजीब वाले सवाल पूछे जाते हैं जो शायद नहीं पूछना चाहिए जी नो पॉइंट ऑफ मीडियम जी इवन आई थिंक सो जी क्या कहना चाहेंगे आप जैसे किसी ने पूछा आपसे अपडेट आई तक किया पहले आए जी अब मैं इसका कुछ नहीं बोल सकती आई एम ग्लैड कि आप मुझे बोल रहे हैं कि यू नो मीडिया कभी कभी बहुत उठपटांग सवाल पूछती है आई एम ग्लैड कि मीडिया के एक सज्जन मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है कि चाहे कोई लड़की हो जिसको आपको कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए जो आई थिंक शायद अपनी बहन या अपनी बेटी से या अपनी किसी फैमिली की लड़की से कोई ना पूछे तो आई वुड से दैट यू शुड रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी आल्सो लाइक दैट माय ब्रदर हमेशा जब मैं घर जाती हूँ तो जो भी दिन में होता है उसके सामने ऐसे उल्टी कर देती हूँ तो आई थिंक वो मेरा साउंडिंग बोर्ड भी है मेरा भाई भी है मेरी थोड़ा सा वैसे बहन भी बना लेती हूँ सिस्टर बट आई वुड हैव टू से हिम I think let's not talk about my professional commitments. It's a correct forum, nahi hai. I think let's talk about the tagline. Let's talk about women. I think it's a very special day. I think it's a very special cover. Already social media mein mujhe itne achhe achhe feedback aa rahe hain.
आई एम वेरी एक्साइटेड कि जब अभी दो तीन दिन बाद ये स्टैंड यू नो हिट करेगा, जब मैगजीन स्टैंड को हिट करेगी, तो उसके बाद क्या जनरल लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, नॉट जस्ट इन द बिग सिटीज, जो बी एन सी सेंटर्स है, टाउन्स है, छोटे शहर हैं, वहाँ से लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, तो आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट दैट.